हाई एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थ्री थिंग्स विच यू नीड टू क्रैक अमेजोन. ठीक है, वाई ओनली आर वी टॉकिंग अबाउट अमेजोन? सिंपल रीजन इज बिकॉज इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अमेजोन. इफ यू फॉलो दीज थ्री थिंग्स प्रिसाइजली देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट वेल विद इन दीज थ्री मंथ्स विच आर लेफ्ट फॉर योर इंटरव्यूज. ओके, तीन महीने आराम से आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे. एंड आई होप आप लोगों ने कोडिंग स्टार्ट कर दी होगी ऑलरेडी. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग आती होगी आप लोगों को. ठीक है, उसके बाद ये तीन चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं अच्छे से सिंसेयरली देन यू विल बी एबल टू क्रैक अमेजोन. ओके, एंड इस वीडियो में मैं आपको DSA शीट दूंगा. एक DSA शीट मतलब मैंने बना रखी है, सेपरेट आउट कर रखे हैं क्वेश्चंस काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ करके, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, काफ़ी पोर्टल्स पे छानबीन करके. आई हैव शॉर्टलिस्टेड 50 क्वेश्चंस विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क इन अमेजोन. नॉट ओनली दोज क्वेश्चंस, उन जैसे कई सारे क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क इन अमेजोन. इसमें यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस प्रीमियम थे तो मैंने उनके जैसे क्वेश्चन ले लिए. एग्जैक्टली वो क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज नॉट ऑल ऑफ अस हैव दिस प्रीमियम अकाउंट. तो मैंने उनके जैसे ही और क्वेश्चंस ले लिए. आपको इससे फर्क नहीं पड़ता यार कि सेम क्वेश्चंस ही लिए जाएं, आपको उस पैटर्न पता होना चाहिए. एंड इफ यू सॉल्व वन ऑफ दोज क्वेश्चंस ना, देन आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे. इस हिसाब से मैंने वो जो शीट है प्रिपेयर की हुई है. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दोज थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट इज DSA. ठीक है, पहली चीज DSA है. हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे चल के, मैंने प्रॉपर सी शीट बना रखी है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना. सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाने चाहिए. ठीक है, सेकेंड थिंग इज कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स. ठीक है, कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड दीज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज DSA. मैं आपको परसेंटेज ही बता दूंगा कि DSA का क्या परसेंटेज है, सब्जेक्ट का क्या परसेंटेज है, और जो हमारी थर्ड चीज़ है दैट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या परसेंटेज है. तो अगर आप 80% मानते हैं आपके DSA, तो 10% आप लोग सब्जेक्ट्स ही मान लो एंड प्रोजेक्ट्स ही मान लो. कई बार इंटरव्यूअर का मन करता है कि वो आपके प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस पिक कर लेता है. ओके, नहीं होगा प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं पूछ पाएगा, बट प्रोजेक्ट होगा तो आपको एडवांटेज रहेगा एक. ओके, सेकंड थिंग, जो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बताए हैं मैंने आपके, कई बार इंटरव्यूअर उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ज़्यादा वेटेज नहीं होती है, बट स्टिल इट रिफ्लेक्ट्स गुड इफ़ यू नो दो सब्जेक्ट्स. बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन जाता है आपका. और कई बार जो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट आता है उसमें भी आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस MCQs पूछ लिए जाते हैं. पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, डेटा स्ट्रक्चर्स हमेशा रहेगा, FTE क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, और कभी कभी आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ओके, इसीलिए अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपसे पूरा का पूरा करने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, बिकॉज आई नो तीन महीने हैं, पूरा A to Z तो आप नहीं पढ़ पाएंगे. तो यार मैंने ना कुछ शीट्स बना रखी थी, मैंने लास्ट ईयर ही ये शीट्स बना रखी थी. अपने टाइम पे भी मैंने यही सारे रिसोर्सेज फॉलो किए थे, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना. ठीक है, मैंने वीडियो उन पर ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग वीडियो जाके देख लेना कि कैसे उनको फॉलो करना है. उसमें आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के आगे क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक्स भी हैं, उनके आगे उनका रिसोर्स भी है कि कहाँ से जाके आपको पढ़ना है. लेट्स से मेरा जो मैंने फॉलो किया था रिसोर्स, वो आपको पसंद नहीं आता है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, क्या पता कुछ और नए रिसोर्सेज ऐड हो गए हों. ठीक है, सो आप लोगों को शीट्स नीचे आके देख लेना, तीनों शीट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अ बिट अबाउट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, बाकी DSA पे हम बाद में आएंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स. तो यार प्रोजेक्ट्स में कई लोगों को दिक्कत आती है, उनको यार जो आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह में प्रोजेक्ट बनवा दिए जाते हैं ना, वही लोग बना के बैठ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके यूनिक नहीं होते हैं. उसमें आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि यार आपने क्या यूनिक किया या क्या, मतलब बेसिकली इंप्लीमेंटेशन आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है इंटरव्यू में, बस ये पूछेगा कि यार क्या यूज़ किया आपने इसमें, क्या यूनिक किया, क्या आपने खुद से इंप्लीमेंट किया. ठीक है, और उसमें आपका क्रिएटिव आंसर होगा तो बस आपका काम चल जाएगा. ऑलराइट, तो यार प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, तो आप लोग यार डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दी हुई है. ठीक है, उस लिंक पर जाकर के आप लोग अपना ईमेल आईडी वगैरह वहाँ पर डालेंगे ना, देन यू विल बी लैंडिंग टू दिस पेज. ठीक है, एंड थैंक्स अ लॉट, अ बिग शाउट आउट टू Cry.do फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस फ्री रिसोर्स. तो यहाँ पर जाकर के यू कैन गो टू मिनी प्रोजेक्ट्स. ठीक है, बाकी और भी सारे फ्री गिफ्ट्स हैं, आप लोग चेकआउट कर लेना. लेट्स फोकस हियर ऑन द प्रोजेक्ट्स. तो मिनी प्रोजेक्ट्स में यू विल गेट अ PDF जहाँ पर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंशनड है. ठीक है, आप लोग जाके उसको अनलॉक कर लेना. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके मेंशन हैं, उनको कैसे बनाना है ये भी आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा अच्छे से, एंड यू कैन मेक दोज प्रोजेक्ट्स. ऑलराइट, और यार अगर आप लोगों को डेवलपमेंट सीखनी है, देन Cry.do इज द बेस्ट रिसोर्स टू लर्न डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज अ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे आपको लेक्चर दिखा दिया फिर कोई प्रोजेक्ट बनवा दिया, इंस्टेड ऑफ दैट आपसे पैरेलली प्रोजेक्ट्स पे ही काम कराया जाता है, एंड प्रोजेक्ट्स पे काम कराते कराते ही डेवलपमेंट सिखाई जाती है, जैसे कि मैं या कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता है. बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से डेवलपर लाइक एनवायरनमेंट में आपसे
डेवलपमेंट सिखाई जाती है. सो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है डेवलपमेंट सीखने में देन यू कैन ऑप्ट फॉर द क्राय डॉट डू कोर्स. ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली तीन कोर्स मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट कोर्स इज द बैक एंड कोर्स, सेकंड कोर्स इज द फ्रंट एंड कोर्स एंड थर्ड इज द फेलोशिप प्रोग्राम. तो यार जो फ्रंट एंड कोर्स है उसमें आपको HTML, CSS, JavaScript सारी की सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मिल जाएंगी सीखने के लिए. तो जो आपका बैक एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें आपका मेन जो फ्रेमवर्क है दैट इज स्प्रिंग बूट एंड बाकी सारी टेक्नोलॉजीज आपके सामने हैं स्क्रीन पे, ये सारी आपको सीखने को मिलेंगी. देन देयर इज अ फेलोशिप प्रोग्राम. फेलोशिप प्रोग्राम बेसिकली आपकी प्लेसमेंट की गारंटी लेता है. इट इज रिलेटिवली अ लॉन्गर प्रोग्राम. जिन लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होती है एंड जिन लोगों को गारंटी चाहिए होती है प्लेसमेंट की, दे ऑप्ट फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम. ठीक है, आप लोग जा करके इसके बारे में चेकआउट कर लेना. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज दिस द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट पार्ट. नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. तो यार मैंने काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के एक्सपीरियंस से 50 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इस तरीके के क्वेश्चन अमेजोन में पूछे जा रहे हैं. ऑलराइट, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. मैंने ये पैटर्न देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी टू मीडियम. कुछ हार्ड थे बट दोज हार्ड क्वेश्चंस आर वेरी ओल्ड, मतलब इतने पुराने हो चुके हैं वो क्वेश्चंस कि उनको आप मीडियम बोल सकते हैं. मोस्टली आप जो भी DSA वगैरह पढ़ते हैं ना उन क्वेश्चन को एक बार वो कर चुका होता है. सो दैट्स व्हाई यू कैन कंसीडर मैं एज मीडियम क्वेश्चंस. तो ये जो शीट है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे के सारे क्वेश्चंस की, जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं. प्रीमियम का कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है बिकॉज उनका मैंने अल्टरनेटिव निकाल लिया कि यार ये नहीं तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो मैंने निकाल लिया. तो बेसिकली 50 क्वेश्चंस हैं. अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अमेजोन की, अगर थोड़ी बहुत भी DSA आपने कर रखी है देन इनको जा करके लगा लो 50 क्वेश्चंस को, ट्राई कर लो उनको 50 क्वेश्चंस को और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो थोड़ा सा और पुश करो. ठीक है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच यू शुड बी एबल टू डू. ओके, तो यार ये तो आप लोग कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बता रखा है कि आपको कंप्लीट DSA प्रिपरेशन के लिए DSA शीट फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें आपके 250 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उसमें आपके 250 क्वेश्चंस हैं एंड ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना 50 क्वेश्चंस ये उसमें हैं, मैंने ऑलरेडी उसमें डाले हुए थे. मतलब मैंने यही देखा व्हेन आई वाज शॉर्टलिस्टिंग दीज क्वेश्चंस ना, देन मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस वर ऑलरेडी देयर इन द DSA शीट. ठीक है, तो DSA शीट आप लोग अगर कर लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप ये 50 क्वेश्चंस की शीट अगर कर लेते हैं सॉल्व तो आप लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि यस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर Amazon. ओके, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर ट्री आपको देखने को मिलेगा काफी बार, आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग काफी बार देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको DP यहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, देन आपको सेगमेंट्री आपको ट्राई थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, सेगमेंट्री बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, फैमिली ट्री नहीं देखने को मिलेगा, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग वाले जो टॉपिक्स हैं वो अलग हो जाते हैं, DSA के जो कोर टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे. तो यार आप लोग जाकर के ये शीट कंप्लीट सॉल्व कर लेना, 50 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, नॉट मोर देन 1 मंथ, एंड आफ्टर दिस यू कैन गो टू द 250 क्वेश्चन वाली DSA शीट, बिकॉज Amazon की ही तैयारी थोड़ी ना करनी है, साथ साथ और भी कंपनीज की तैयारी करनी है ना. सो दैट्स वाई कंप्लीट बोथ दीज शीट्स. इसमें अगर आप ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे देन यू कैन स्किप दीज 50 क्वेश्चन इन द DSA शीट. ओके, आपके 200 ही बचेंगे वहाँ पर. मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट थ्रू आउट दिस प्लेसमेंट सीजन. आई विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज एज वेल. मॉक इंटरव्यूज भी काफी सारे आ रहे हैं, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं जाकर के देख लेना. उसमें भी मैं मोस्टली 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ इन अ मॉक इंटरव्यू, एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर, कैसे कम्युनिकेट करना है, सब कुछ इसमें डिस्कस हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वन, एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट.